जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी की तीसरी क्लास कर रहे हैं, यानी कि लेक्चर 3। तो आज हम लोग भाग की बात करेंगे। हमने पहले उसमें प्रम्बल यानी प्रस्तावना की बात की, दूसरे उसमें हमने अनुसूचियों की बात की। कितनी अनुसूचियाँ थी? 12। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मैं 22 भाषाओं की बात कर रहा हूँ, सॉरी 22 भाग की बात कर रहा हूँ। कितने भाग हैं? 22। और इन्हें ठीक से गिने, यानी कि अगर कै और खै और इनको भी जोड़े तो 25 भाग हो जाते हैं। तो बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि वर्तमान में कितने भाग हैं और जब संविधान बना था तब कितने भाग थे, है ना? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आता है कि संविधान जब बना था जब कितने भाग थे या वर्तमान में कितने भाग हैं, तो हमें 22 ही भाग लगा के आने हैं, क्योंकि बढ़ेंगे थोड़ी ना कि क्या ये, अगर मान ले 14 ये है, 14 क्या ये बढ़ गया, 9 है, 9 क्या, 9 खे, तो इनको भी जोड़ लेंगे क्या? इनको नहीं जोड़ेंगे हम लोग। इनको क्यों जोड़ेंगे? हाँ, 1 2 3, इनको अगर जोड़ लेते हैं हम लोग तो 25 हो जाते हैं, है ना? इसको जोड़ लो 26 हो जाते हैं। ऐसा नहीं जोड़ सकते हम लोग 22 बार। मैंने एक बात बताई थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें एक फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हम संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, 368 यानी संविधान संशोधन कर सकते हैं उनमें 368 अनुच्छेद के अनुसार, है ना? तो देखिए, भाग की बात करते हैं। ये देखिए, छोटी सी ट्रिक है, ये मैं बताऊंगा बाद में, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, ये अभी बता दिया तो मैंने। सनम नमस्ते रस पीना शाम को, गर्मी के दिन थे, गन्ने का जूस पीने जा रहे थे, मुंह से निकल गया सनम गन्ने का रस, सॉरी गन्ना नहीं बोलेंगे, रस पीना शाम को, है ना? तो फिर सब बेसान पूरा आपस में हंस रहे थे। शाम के टाइम हंसते हैं, मौज मस्ती लेते हैं। तो ये एक लाइन से आपको पूरे के पूरे 22 भाग आराम से याद हो जाएंगे। पहले उसकी बात करता हूं मैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, कहां तक? आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 तक, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो स, पर मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना? आपको बाद में बताऊंगा। हाँ, एक मैं आप लोगों से गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है ना? आप लोगों के कमेंट आएंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा हम मतलब क्या आप लोगों को कंटेंट चाहिए और हम लोग क्या दे पा रहे हैं, कितना अच्छा दे पा रहे हैं, कितना बुरा दे पा रहे हैं। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। जो बच्चे SSC MTS है ना, EPFO स्टेट PSS, मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो लेक्चर जो होता है ना, मैं एक ही उसमें काम तमाम करना चाहता हूँ, एक ही लेक्चर में काम तमाम। आप ये देखिए, 5 मिनट, अगर आप लोग 5 मिनट वीडियो देखते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो मेरी 31 मिनट की बनी थी, 31 मिनट कुछ सेकंड की, है ना? पहली वाली वीडियो थी वो 20 मिनट कुछ सेकंड की बनी थी, तो उसमें अगर प्रम्बल आपने पढ़ा होगा तो पूरा समाप्त है। आप लोग बुक पढ़िएगा, उसमें कुछ नया जरूर मिलता है, जैसे हम लोग हर बार बुक पढ़ते हैं तो नया जरूर मिलता है, पर उससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप लोग उसमें ही मंथन कीजिए। अब लोग देखिए, अब दूसरे भाग की बात करते हैं, नागरिकता। हमें नागरिकता कितने प्रकार से मिली, हमें कैसे नागरिकता मिली, सब बातों की चर्चा हम 5 से 12 में आर्टिकल में करते हैं। कौन सा आर्टिकल में? 5 से 12 नागरिकता की। अच्छा, क्या तीसरे भाग में क्या है? मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार क्या है? हम जब देश में रह रहे हैं तो हमारे अधिकार क्या है मौलिक, है ना? तो जब मौलिक अधिकार है, तो जब संविधान निर्माताओं ने सोचा अगर हम जनता को अधिकार दे रहे हैं तो उनके मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, तब बहुत समय बाद जाके मूल कर्तव्य जोड़े गए। उससे पहले क्या था? भाग 4 में निधि निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व जोड़े गए। उसमें क्या हुआ? 4K में ही उन्होंने क्या कहा, जब हम इसको पास में रखते हैं, मौलिक अधिकार, निधि निदेशक तत्व और 4K में हम लोग जोड़ते हैं मूल कर्तव्य। हम लोगों को मूल कर्तव्य जरूर देने चाहिए, जैसे मूल कर्तव्य होते हैं तो हम लोगों के कर्तव्य बनता है कि हम लोग ये काम जरूर करें। तो कैसे जोड़ा गया है? ये 51 के अनुच्छेद में है, ये 51 के। और निधि निदेशक तत्व कहाँ है? 36 से 51 तक, 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व है और मूल कर्तव्य जो है 51 के में है।
तो कैसे जोड़ा गया था, कैसे जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग। अब पांच में क्या है, संघ यानी कि केंद्र, पूरा केंद्र है ना, भारत का जो केंद्र है संघ, वो पांच भाग पांच में है। कहां से कहां तक है, 52 से 151 तक, 52 से लेके 151 तक। इसमें बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, मैं एक एक, यानी कि अगर मैंने एक वीडियो में अगर एक अनुच्छेद मतलब एक भाग समझाने की कोशिश की तो 22 लेक्चर में वीडियो समाप्त हो जाएगी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। 30-32 लेक्चर लूंगा, आप लोगों के एक एक आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ा के नहीं छोड़ूंगा, जो ना भी इंपॉर्टेंट है वे भी पढ़ाऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको रट्टा लग जाएगा, काम तमाम उनका, परीक्षा की अब तबाही आएगी है ना। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके भगा के देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोगों ने क्या देखा, चार तो आपके माइंड में आ गए, पहले में तो संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है, चौथे में निधि तत्व है, फोर के में मूल कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976, बस आपको यहीं तक याद होगा। आगे देखिए ये 21-22 तो आप लोगों को पढ़ाया, पढ़ाते हैं सर, पता नहीं चलता है क्या क्या 21-22 में क्या है, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परीक्षा का ट्रेंड चेंज हो चुका है ना। अब देखिए पांचवे में क्या है, संघ केंद्र, 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। आप लोग थोड़ा कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रख के वीडियो देखिए कि 52 से 151 मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 52 से 151, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको ये तो याद मैं अभी करवा दूंगा वीडियो के अंत में अभी, पर आपको आर्टिकल भी याद करने पड़ेंगे। आप लोग को देखिए 52 151, तो आप लोग लिंक कीजिए बातों को। छठे में क्या है, राज्य, क्या है राज्य, स्टेट, कितने पहले कितने थे जब जुड़े थे, 29, और आप कितने हैं, 28 है ना। तो 152 से 237, 152 से 233। अब देखिए 7 और 2 12, 7 और 1 8, कितने का गैप है, 4, तो इनको 4 को छोड़िए, 5 को छोड़िए, छठे पे क्या है, राज्य। अगर ऐसा याद नहीं होता है, ये मैं याद करने का ट्रिक बता रहा था, पर आपको ऐसा याद नहीं रहता तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आपको याद हो जाएगा 152 से 237। अब देखिए सातवें में पहली अनुसूची के भाग खे के राज्य, इसे निरस्त किया गया है, निरस्त किया गया है इसे, 238 में है ये, 7वां संविधान संशोधन 1996 में जोड़ा गया था, सॉरी 92 में जोड़ा गया, सॉरी 96 में जोड़ा गया था, है ना। तो आप लोग देखिए 96 में है ना, अब 238 ये निरस्त किया गया। आठवां संघ राज्य क्षेत्र, अब आ गए संघ भी आ गया और राज्य उनके क्षेत्र, तो कहां से कहां तक है, 239 से 242 तक, मात्र दो तीन आर्टिकल आ रहे हैं इसमें। अब नवे में, ये भाग 9 में पंचायत है, और वो अनुसूची जो समझाई थी मैंने, आप लोग पिछले वीडियो में देखोगे तो जो पंचायत थे वो 11 में थे, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। यहां पे मैं भाग पढ़ा रहा हूं, अनुसूची नहीं पढ़ा रहा हूं, और जब मैं अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तो आप लोग अनुसूची ना समझे है ना। तो देखिए पंचायत, पंचायत कहां से कहां तक है, 243 और 243 के खे के ण तक, खे के ण तक, या तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, खे दोनों का मतलब एक ही होता है, या कह देगा कि एक नंबर, यानी कि अगर आपको कह रहा है कै खे गे घे ए बी सी डी, एक दो तीन चार, तीनों का मतलब एक होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे तो कै आ गया 43 का कै, और आप कहीं पे पढ़ा दोगे कै वो 243 का ए, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक ही है। नगर पालिकाएं, 74वां संविधान संशोधन 1992 में, 74वां संविधान संशोधन 1992 में 9 का क्या जोड़ा गया, नगर पालिकाएं, इसमें कितनी मतलब क्या है, कितनी आर्टिकल आ रहे हैं, 243 का तय आ रहा है और 243 का ये और 6 आ रहा है, ये और 6। आप लोग बेझिझक रहे हैं कि सर ये 6 पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, आएगा।
समझ में आएगा, वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को सब याद रहेगा। और मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि बताओ उसमें क्या है, अगर आपको याद नहीं, कि शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। हर क्वेश्चन का आंसर हर व्यक्ति नहीं दे सकता, पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप चार क्वेश्चन में डायरेक्ट एक जो सही होगा वो लगा के आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया नगर पालिकाएं भाग कौन से में है, तुरंत आप नो का क्या लगाएंगे, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, है ना। अब देखिए सहकारी समितियां, आप जब जैसे गल्ला, सरकारी गल्ला है ना, ऐसा करके गांव में लिखा हुआ होता है सरकारी गल्ला, जब आप सरकारी समितियां होती हैं, जब घूमने जाते हैं तो कहीं कहीं पे लिख रहा होता है लाल कलर का पूरा रखा रहता है, तो ये समितियां ये भी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, ये हुआ था 97वां संविधान संशोधन 2001 में, 97वां संविधान संशोधन 2001 में, उसमें जोड़ा गया 9(k)(6) में कि सरकारी समितियां भी होंगी। तो 243 के ये और जय और ये और न, 243 का ये और जैसे ये और न तक। अब दसवें में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। यहां पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि दसवें भाग में क्या है, तो उसमें दल बदल कानून भी दिया गया था, तो दल बदल कानून दसवें में है पर वो अनुसूची है ना, पर यहां पे क्या पढ़ा रहा हूं मैं, भाग, और पूछा उसने भाग ही था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कौन से, 244 244 का क्या, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं या एक लिख दूं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब एक ही है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, मैंने बंटवारे की भी बात की थी उनकी शक्तियों के, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आप लोग पीछे वीडियो को देखिएगा, लिंक बना के चलिएगा, तो आपको अगर कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 एक बात आप लोग नोट कर रहे हो, संघ और राज्यों के बीच संबंध लगा रहे हैं तो यहां पे भी संबंध बनेगा, 5, 4, 4, 9 और 2, 11, 6, 3, 9, 2, 11। अगर जहां आर्टिकल में 11 मिल रहा है आप पटाख से लगाइए संघ और राज्यों के बीच संबंध होगा वहां पे, क्योंकि आर्टिकल में भी संबंध बन रहा है 11-11 का, है ना। वित्त संपत्ति संविधाएं और बाद, जो व्यक्ति जैसे संविधा पे बोलते हैं संविधा पे वैकेंसी निकली थी तो उन पे मैं चर्चा करूंगा, है ना। अभी तो मैं भाग की बात कर रहा हूं, जब मैं आर्टिकल पे आऊंगा तो एक एक आर्टिकल बिल्कुल समझाऊंगा। अच्छा एक वीडियो मुझे जो है ऐसी भी बना दिया करूंगा, जमानत कैसे करनी है, जमानत कैसे होगी, है ना, कौन से आर्टिकल धाराएं लगती हैं, सुप्रीम कोर्ट जमानत की याचिका कैसे दायर करता है, तो सब वीडियो में फैक्चुअल बातें भी बता दिया करूंगा। वित्त संपत्ति संविधाएं बाद 264-300 के। अब देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको ये आर्टिकल 301 से 307 के बिल्कुल रटे होने चाहिए, कि आपको मान लीजिए चुंगी पे, अगर मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए बाहर से एक्सपोर्ट तो बढ़िया सरकार कराती है पर बड़े बड़े बिजनेस का माल भी बाहर से आता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम ये राज्य क्षेत्र में, मतलब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तराखंड से आपको सामान लगाना है तो वहां पर टैक्स लगता है, तो आप लोग इसको इकोनॉमिक्स तो देख ही रहे होंगे, है ना, तो वहां से भी देखें, क्योंकि सब्जेक्ट का एक दूसरे से लिंक होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, चारों चीजें का आपस में लिंक होता है, आप एक को छोड़ेंगे और एक में परफेक्ट होना चाहेंगे तो उसकी सहायता लेंगे जरूर आप, है ना, अकेले सब्जेक्ट से मतलब बात नहीं बनती है। तो 301 से 307। अब देखिए भाग 14 की बात कर रहा हूं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, सेवाएं किसके अधीन आती हैं, संघ के या राज्यों के, या कौन सी सेवा राज्य के आती है, कौन सी सेवा संघ के आती है, तो आर्टिकल 308 से 323 तक दिए गए हैं, 308 से 323 आर्टिकल तक दिए गए हैं ये। तो मैं पूरी बात अनुच्छेद जब आर्टिकल हमारा 14 आएगा तब बात करूंगा। अब क्या हुआ, 14 के में हमें जोड़ना पड़ गया अधिकरण, 74वां संविधान संशोधन 1976।
323 के और 323 खै, ये आर्टिकल बना। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो 324 से 329 ये हो गया। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपवन, कुछ वर्गों मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपवन दिए गए हैं 330 से 342 में, अनुच्छेद 330 से 342 में। 17 में क्या है सर? 17 में राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, राजभाषा 343 से 351, हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी पखवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम ये आर्टिकल बहुत जोरों शोरों से बनाया जाता है, इस पे बहुत बहुत आके कविताएं, कहानियां और पूरे पूरे लेक्चर होते हैं। राजभाषा जब हम आर्टिकल के बाद आएंगे तो पूरी बात करेंगे। 343 351 है ना। आपात उपवन 18, अगर मान लीजिए आपातकाल लग जाता है, राशन खत्म हो गया पूरे देश का, या किसी ने आक्रमण कर दिया है ना, तो 352 से 360 में आपातकाल उपवन का प्रबंध किया गया है। कैसे कैसे हमें आदेश देने हैं, क्या करना है, किसके मौलिक अधिकार हटाने हैं, किसके नहीं हटाने हैं, सबकी बात इसमें की गई है। प्रकरण 352 360 में हो गया। अब बात करते हैं भाग 19 प्रकरण की, 361 से 367 प्रकरण है ना। संविधान 20वें भाग की बात करते हैं, संविधान संशोधन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 368 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड है, आए दिन चर्चा में रहता है। आज ये संशोधन कर दिया संविधान में, तो आज ये संशोधन कर दिया संविधान में, तो ये चीज बहुत प्रचलित में रहती है। 368 को याद आता है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने मौलिक कर्तव्यों के साथ, मौलिक अधिकार के मौलिक कर्तव्यों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप इसके साथ संशोधन कर सकते हैं, पर संविधान के आर्टिकल के साथ जो मतलब मूल ढांचा है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते है ना। 21वें की बात करते हैं, भाग 21 की, अस्थायी संकरण कालीन और विशेष उपवन। मान लीजिए महामारी आ गई, आई थी अभी पीछे 2020 में 21 में कोरोना काल का वक्त रहा, तो बहुत परिवार उजड़ गए, बहुत मतलब दुखद कहानी रही हर देश की। मान लीजिए आप चीन को ले लीजिए, अमेरिका, जापान, रूस, बहुत मतलब दुखद कहानी रही ये है ना, आप लोगों ने देखा। तो भाग 21 के अकॉर्डिंग ही जो केंद्र सरकार थी वो अपने फैसले ले रही थी, अपने आप कोई नहीं लेता है कि उस टाइम क्या था। तो मैं बताऊंगा आपके क्या अधिकार बन जाते हैं सरकार को देने के, मतलब सरकार आपको क्या अधिकार देगी और आप उनसे मांगने के योग्य हैं, आप मांग सकते हैं, आप अपने संविधान ने आपको वो अधिकार दिया है। 369 से 392 में आपको ये अधिकार पता होने चाहिए। अगर मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। बहुत से होते हैं कि वीडियो खोली देख रहे हैं कि क्या क्या अधिकार है ना। 22वें भाग में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 395 हमारे जो आर्टिकल समाप्त हो गए। और कोई कह रहा है कि सर आप तो 395 अनुच्छेद पढ़ाएंगे और अनुच्छेद तो 470 कुछ हो गए हैं, तो मैं बता देता हूं अभी भी ये कै संशोधन किया जाता है, मूल ढांचे से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना, तो 395 ही अनुच्छेद है। अच्छा सर आप तो बता रहे थे ट्रिक बताएंगे, याद हो जाएगा, पक्का याद होगा, जिसने वीडियो पूरी देखी होगी उसी के होगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें है ना। अब देखिए क्या है, सनम नमस्ते रस पीना शाम को, सबके शान पूरा आपस में हंस रहे हैं। देखिए स न मैं है ना, न अरे यार सॉरी सॉरी
ने मैं से ते रस नमस्ते रस पी ना रस पीना शाम को तो ये मतलब जोड़ा है मैंने को नहीं है से सब वे सब वे से ए एन सान पू पूरा है ना आपस पूरा आपस में हस है ना रहे हैं हंस रहे हैं। अच्छा चलो ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसकी ट्रिक की है ना। देखिए स न में संघ राज्य उनके क्षेत्र नागरिकता मौलिक अधिकार और क्या था न नीति निदेशकता तुम न में स नम मूल कर्तव्य ते नमस्ते हो गया संघ रस रस स संघ और राज्य छह तक हो गया पीना है ना पीना रस रस हो गया पीना पंचायतें नगरपालिका और साम एस ए एम नगरपालिकाएं सहकारी समितियां अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो आप लोगों अगर समझ में नहीं आता है अगली वीडियो में बता दूंगा ट्रिक के लिए है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कमेंट करें सब वीडियो आती हैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी स्टैटिक जी के सारी वीडियो आती हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।